अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर अचानक सबके दोस्त आ गए थे सारे, तो उन्होंने कहा हम लंच करके जाएंगे। फिर मेरी मम्मी ने फटाफट हाथ चला और मज़े की बिरयानी बनाई साथ में। मैंने जो है दाल बनाई, कि मैंने सोचा कि सब लोग गोश्त खा के थक गए होंगे, लेकिन ये दाल किसी ने नहीं खाई। और साथ में गोश्त बनाया था और सेवइयां बनाई मैंने फटाफट। और इधर अब कह रहे हैं कि भाई बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, जो कि मैंने बनाई थी। और यहाँ पर मैंने बर्तन धोए और हाल देखे किचन का क्या हाल हो गया था कुकिंग कर करके। और साथ में नलके ने भी जवाब दे दिया था, नलका भी टूट गया था। फिर वो अब्बू ने ठीक किया और इसके बाद हम थोड़ा सा मेहमान जब चले गए थे रेस्ट वेस्ट करके, फिर उसके बाद हम अपने ससुराल गए थे, क्योंकि वहाँ पर सास से भी मिलना था और पप्पा सास से भी मिलना था, तो इसलिए हम वहाँ चले गए थे थोड़ी देर के लिए। तो बस वहाँ से वापसी पे फिर हम लोग घर आ गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे किया बारबेक्यू, क्योंकि मेरी सिस्टर बारबेक्यू कब करेंगे तो फिर अब्बू ने कहा चलो जी तो मैं बारबेक्यू बना कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम चारों, मतलब मेरी अम्मी, अब्बू और मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम बारबेक्यू बना रहे थे। अब्बू हेल्प करवा रहे थे हमारे, क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनकी हेल्प करते हैं और वो हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं और हम उनकी हेल्प कर देते हैं। इसी तरह हम लोग बना कर हम लोगों ने हमारे लिए बारबेक्यू बना और फिर हमने बारबेक्यू एंजॉय किया। अच्छे बने थे, पर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बने थे, क्योंकि हमने मैरिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो इसलिए थोड़ा इसे अंदर से सख्त लग रहे थे, लेकिन गुजारा हो गया था, उसका पेट भर गया था। तो यही हमारे लिए काफ़ी था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।